मुख्यमंत्री को, तो क्या तालमेल की कमी है? नहीं, क्यों नहीं है? अब चीफ मिनिस्टर इज देयर, द प्रिंसिपल, द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इज देयर. जब जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मायसेल्फ आई वाज देयर, तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं, तो ये बिना मतलब की बातें हैं. और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर पुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ? अब मैं उस चीज़ को अगर डिवल्ज करने लग जाऊँ, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन. इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी परहेज करना चाहिए. सर, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ ऐसा कह रहे हो, ना ही जो नितिन गडकरी का कद है, स्ट्रेचर है, उसका भी ध्यान नहीं रखा और प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं. अरे जब मुख्यमंत्री जी वहाँ पर है, हेड ऑफ द स्टेट इज देयर, तो उसे और क्या प्रोटोकॉल चाहिए? और सर सवाल ये है कि अधिकारी वहाँ क्यों नहीं थे? जब चीफ मिनिस्टर वहां पे थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वाज देयर, सारी जो हमारे चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर मंडी के वहां पे थे, चीफ इंजीनियर एनएचएआई के वहां पे थे, किसी कारण से वो वहां पे नहीं आए होंगे. मगर उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है. जब हम खुद वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी ऑल द वे उनको चंडीगढ़ लेने गए और वहां से हम इकट्ठे एक हेलीकॉप्टर में जो है वो मनाली आए, तो इसकी आप गंभीरता को समझ सकते हैं. तो ये बिना मतलब की बातें कर लोगों का ध्यान आकर्षित या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, व्यर्थ कोशिश जो है वो इस समय नेता प्रतिपक्ष को नहीं करनी चाहिए. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kstreet.